दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल सुनसान पड़ा है, या फिर आपको लगता है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, और अगर आपको लगता है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जैसी अनेकों एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हैं, तो फिर हमारे यूनिवर्स को रेडियो सिग्नल से भर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को वैसे ही कम्युनिकेट करती जैसे हम इंसान धरती पर एक दूसरे से करते हैं। लेकिन ये सब है कहां? साल 1950 में एनरिको फर्मी न्यू मैक्सिको के लॉस एलमास में दिन के समय एल्बर्ट टेलर और अन्य वैज्ञानिकों को बैठकर लंच करा रहे थे, जब वहां एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ और स्पेस ट्रेवल की बात चली, तो उन्होंने पूछ लिया कि वो है कहां? अगर है तो हमें मिल क्यों नहीं रहे? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन सिविलाइजेशन को चुप रहने पर मजबूर कर रही है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें उनके सबूत ढूंढने होंगे, ऐसे सबूत जो हमें किसी पक्के तौर पर एलियन सिविलाइजेशन होने के निशान दिखा सके। दोस्तों, इसके लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास मार्स ही काफी है, जिससे मेरे सबूत ये बता देते हैं कि वो भी कभी हमारी धरती की तरह ही हुआ करता था। वहां पर धरती की तरह ही जीवन था। मंगल ग्रह पर इतिहास में पानी होने के सबूत सामने आ चुके हैं। अब इस बात का इंतजार है कि वहां पर किसी एलियन लाइफ के सबूत हमें मिल जाएं। यहां से हमें कुछ ऐसी थ्योरीज भी मिलती हैं जो मंगल पर एलियन लाइफ की आशंका को और ज्यादा मजबूत कर देती हैं। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि मार्स पहले बर्फ से ढका हुआ था, और फिर उसमें एक एस्ट्रॉयड आकर टकरा गया, जिससे हुई टक्कर ने मंगल की किस्मत ही बदल दी, क्योंकि जब वो एस्ट्रॉयड मार्स से टकराया तो उससे हुई टक्कर से मार्स की बर्फ पिघलना शुरू हो गई और वहां पर नदियां बहना शुरू हो गई। मंगल पर जीवन की शुरुआत हुई और एवोल्यूशन आया। हालांकि आज के समय में हम जिस मंगल को जानते हैं वो एक सूखा और बंजर लाल ग्रह है। मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे जा चुके हैं, और उनसे जो डेटा मिला है उसके आधार पर ही वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि मार्स के गेल क्रेटर में कभी पानी भरा हुआ था, और किसी भी तरह की जीवन के लिए पानी जरूरी हो सकता है। अगर हम किसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढने की बात कर रहे हैं तो पानी इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता है। दोस्तों, सिर्फ मंगल पर पानी के सबूत मिलने से हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि वहां पर रहने वाले लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, और इसके लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा, जैसे इंडस्ट्रियल बेस कोई रेडियो सिग्नल मार्स को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने भी आया है, जो आज से 300 मिलियन साल पहले मार्स पर हुआ था, और यह हमला मार्स पर नहीं था बल्कि वहां के लोगों पर था। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि मार्स पर भी जीवन था, और ये हमला मार्स पर एक एलियन इंटेलिजेंस रेस ने न्यूक्लियर हमला किया था। मार्स पर जब भेजे गए क्यूरोसिटी ने जब वहां पर रिसर्च की तो उसमें भारी मात्रा में जिनेन 129 के ट्रेसेस मिले हैं। जिनोन एक नोबल गैस है जो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती, और जिनोन 129 उसी गैस का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। साथ ही जिनोन 129 किसी न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाला एक बाई प्रोडक्ट होता है। ऐसे कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है जो जिनोन 129 को क्रिएट कर सके, खासकर मार्स पर तो बिल्कुल नहीं। अब हमसे अरबों किलोमीटर दूर न्यूक्लियर प्रोडक्ट मंगल ग्रह पर क्या कर रहा था? आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ था जिससे इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लेवल वहां पर इतना ज्यादा बढ़ गया? इस सवाल ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है, हर किसी को परेशानी में डाल दिया है। जब इसका असर सुन सबके होश उड़ गए तब वैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्लेन किया। पहले तो सभी को यही लग रहा था कि यह किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो सकता है, लेकिन बाद में इशारा एक गैलेक्टिक न्यूक्लियर वार की ओर गया। दोस्तों, जब भी धरती पर कहीं भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर जिनोन 129 के ट्रेसेस भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर जो जिनोन 129 मिला उसका लेवल पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा था। इससे यह तो साफ हो जाता है अगर मंगल ग्रह पर कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ है, या हुआ भी होगा तो वहां काफी बड़ा और खतरनाक हुआ होगा, और इतना भयंकर हो सकता है जिससे वहां पर मानव जाति या फिर यूं कहें कि जीवन को ही खत्म कर दिया हो। मार्स पर दो ऐसी जगह मिली जहां रेडियो एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यानी मार्स के उत्तरी गोलार्ध में दो ऐसे स्पॉट हैं जहां रेडिएशन लेवल दूसरी जगह के मुकाबले काफी ज्यादा है। मार्स पर दो सभ्यताएं थी जिनके नाम थे सिडोनियन और यूटोपियन। हालांकि ये दोनों सभ्यताएं ज्यादा विकसित नहीं थी। मार्स पर सिडोनियन और यूटोपियन सभ्यताएं धरती पर मिस्र में मौजूद रही ब्रॉन्ज एज की सभ्यता जितनी विकसित हो पाई थी। ये बड़े बड़े स्कल्पचर बनाते थे, और बड़े बड़े चेहरे और पिरामिड आदि इन दोनों में से सिडोनियन सभ्यता फेस ऑन मार्स के लिए जानी जाती है। दोस्तों, जिस तरह धरती पर मौजूद बड़े बड़े स्कल्पचर और पिरामिड समय के साथ साथ खराब होते जा रहे हैं, ठीक ऐसे ही मार्स के स्कल्पचर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं।
और ऐसा इसलिए होता क्योंकि किसी इंटरगैलेक्टिक इंटेलिजेंस रेस ने उन सभ्यताओं पर परमाणु हमला करके उन सभ्यताओं को खत्म कर दिया था, उनके सारे स्कल्पचर नष्ट कर दिए और तो और उनकी मौजूदगी के सारे सबूत पूरी तरह से मिटा दिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा हमला उन पर क्यों हुआ था जबकि वो एलियन मार्स पर रहे ही नहीं। इसका जवाब यह हो सकता है कि उनकी नजरें मार्स पर मौजूद संसाधनों पर थी और वो मार्स पर बसना नहीं चाहते थे। शायद इसलिए मार्स की सतह पर आयरन ऑक्साइड बिखरी पड़ी है। मार्स पर मौजूद ज़ीनॉन 129 को लेकर कुछ और थ्योरियां भी सामने आई हैं। हालांकि इनमें मार्स पर एलियन द्वारा किए गए किसी भी हमले का जिक्र नहीं मिलता है। इनके हिसाब से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट मार्स पर किसी एस्ट्रॉइड द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इतने काम नहीं आई क्योंकि अगर ज़ीनॉन 129 किसी एस्ट्रॉइड द्वारा मार्स पर आई है तो उस एस्ट्रॉइड की टक्कर से मार्स पर एक बड़ा क्रिएटर बनता, जबकि ऐसा कोई क्रिएटर मार्स पर मौजूद नहीं है। खासकर साइडोनिया और यूटोपिया के पास अगर कोई क्रिएटर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन जमीन से ऊपर हुआ होगा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। वहां पर कोई बड़ा क्रिएटर तो नहीं बना था लेकिन तबाही का मंजर बहुत भयानक था। मार्स पर भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ होगा और वहां पर कोई क्रिएटर तो नहीं बना होगा लेकिन तबाही का कारण जरूर एटॉमिक एक्सप्लोजन ही रहा होगा। उन्होंने मार्स का पूरा वायुस्केर ही नष्ट कर दिया जो आज तक सही नहीं हो पाया है। नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर से भी ज़ीनॉन 129 रिलीज हो सकती है, ठीक जैसे आज से अरबों साल पहले पृथ्वी पर हुई थी। एक प्लेनेट नेचुरल तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्टर में बदल सकता है लेकिन इसके लिए सही कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। मार्स न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना होगा और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स पर ज़ीनॉन 129 होने के मुख्य कारण आयोडीन भी हो सकता है। आयोडीन 129 डिके होकर ज़ीनॉन 129 में बदल जाता है। अब मंगल ग्रह पर आयोडीन का यह रेडियो एक्टिव फॉर्म पहले से वहां पर मौजूद था या फिर इसे एस्ट्रॉइड लेकर आया था, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन अनुमान ये लगाया गया है कि मंगल ग्रह पर आयोडीन पूरी तरह से डिके हो चुका है और ज़ीनॉन 129 इसका ही नतीजा है। लेकिन ये थ्योरी इस बात को साबित नहीं कर पाई कि मंगल ग्रह पर केवल दो ही जगहों पर ये रेडिएशन ज्यादा क्यों है, इन दोनों हॉटस्पॉट पर ही इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड क्यों है। ये बात सुनने में और भी अटपटी लग सकती है कि अगर बात चल ही रही है तो इस पर भी हम गौर कर सकते हैं, क्या वो एलियन हमारे पूर्वज तो नहीं थे या फिर कहीं सुमेरियन सभ्यता के गॉड अनुनिक तो नहीं थे? मार्स पर क्या जीवन था और क्या वहां पर एलियन थे? इस पर बहुत लंबी बहस चलने वाली है। वैज्ञानिक लगातार मंगल पर जीवन के निशान खोज रहे हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि एक समय पर मंगल ग्रह बिल्कुल पृथ्वी की तरह था क्योंकि दोनों ग्रह एक ही तरह की सामग्री से बने हुए हैं। मंगल पृथ्वी की तरह ही था क्योंकि इसके ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि लाल ग्रह पर झीलें और धाराएं मौजूद थी। मंगल ग्रह पर जीवन के तलाश को लेकर अध्ययन कर रहे डॉक्टर विलियम ने दावा किया है कि अगर ग्रह पर जीवाश्मों की मौजूदगी जीवन के सबूत हैं। उनका दावा है कि मंगल ग्रह पर कई तरह के जीवित कीट पतंगे हो सकते हैं। इनमें से कुछ कीट पतंगों के पंख भी हैं और ये फड़फड़ाते भी हैं। मार्स पर भेजे गए रोवर से हमेशा नई नई तस्वीरें मिलती हैं। इन तस्वीरों में कई बार कई पैरों वाली आकृतियां भी मिली हैं। इन तस्वीरों में सरीसृप वर्ग के जीवों के स्वरूप भी मिले हैं, जिससे इतना तो तय माना जा रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवित कीट पतंगे हो सकते हैं। और कई लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि मंगल ग्रह में लोग रहते हैं। इस ग्रह के लोग करीब 7 फीट लंबे हैं और वह जमीन के नीचे रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड से जिंदा रहते हैं, वो कभी मरते नहीं है क्योंकि उनकी उम्र 35 साल के बाद रुक जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। अब आप क्या इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।